राष्ट्रभक्ति का जज्बा ऐसा था कि आजादी के बाद उन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देश के विभाजन के बाद उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास में अपने आप को लगा दिया। वो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी से बहुत प्रभावित थी। जब ये आंदोलन में थी तभी से महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन से वर्ष 1923 में जुड़ गई और भारत लौट गई। यहां आकर ये सेवादलत तथा समाजवादी संगठनों में अपना योगदान देने वाली पहली महिला थी। कमला देवी चंद का जन्म 3 अप्रैल तो आप जानते हैं 1903 में हुआ था और इनका मृत्यु 29 अक्टूबर 1988 ईस्वी में हुई थी। जब इनकी उम्र 7 वर्ष की थी तो इनके माता पिता स्वर्गीय हो गए थे, पिता स्वर्गीय हो गए थे, माता थी। ये बाल विवाह के शिकार हो गए और उनकी पहली शादी अत्यंत छोटी उम्र यानी 12 वर्ष की अवस्था में कृष्ण राव के साथ 1917 में हुई, परंतु दुर्भाग्यवश में 2 वर्षों के अंदर ही कृष्ण राव का मृत्यु हो गई 1999 में, तथा अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ये विधवा हो। इन्होंने देश के बुनकरों के लिए जिस सिद्ध के साथ काम किया उनका असर यह था कि जब ये गांव में जाती थी तो हस्तशिल्पी बुनकर जुलाहे सुनकर अपने सिर पगड़ी उतार कर इनके कदमों में रख देते थे। इसी समुदाय के उनके अथक और निस्वार्थ मां के सम्मान सेवा की भावना से प्रेरित होकर हथकरघा मां का नाम दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक मारना है वो अलग बात है, लेकिन कुछ सीखने को मिलता है ना, वो मेन बात होती है। So, thanks for watching. कमला देवी चट्टोपाध्याय एक समाज सुधारक, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, नारी आंदोलन की पथ प्रदर्शक तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, कला और साहित्य की समर्थक भी थी। जिंदगी की तनाई और महात्मा गांधी के अहन के चलते वे राष्ट्र सेवा से जुड़ गई थी। देश के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को आकर्षित करने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय को महात्मा गांधी बहुत मानते थे और इस निर्भीक स्वतंत्र सेनानी को उन दिनों गांधी जी ने सुप्रीम रोमांटिक हीरोइन का किताब दिया था। कमला देवी ब्राह्मण होते हुए भी समाजवादी थी, बालिका वधू होते हुए भी स्त्री अधिकारवादी थी। ये एक ऐसी राजनेता थी जिन्हें कुर्सी की दरकार नहीं थी। भारत के हम ऐसे महान महिला से हम मुलाकात करवाने वाले हैं जो हमें जागरूक करती है कि उठो और आगे बढ़ो। उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 में हुआ था मैंगलोर कर्नाटक में, और ये शिक्षा प्राप्त की थी बोर्ड कॉलेज लंदन में। उनका जीवन साथी है रवि राव, अन्य बच्चे हैं रामकृष्ण चट्टोपाध्याय। एक्चुअली लेखन के क्षेत्र में काफी योगदान था इनका। कमला देवी चट्टोपाध्याय को लिखने का काफी शौक था और उन्होंने काफी पुस्तकें लिखी जो लोगों में काफी चर्चित हुई और लोगों ने उनके द्वारा लिखी पुस्तकों को काफी सुहारा। 2-4 किताबें हैं जैसे कि द अवेकिंग ऑफ इंडियन वुमन, जापान इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ,